मैं इतना सब कुछ गलत बोले उसके कैरेक्टर तक जाए और भाई बहन के रिश्ते तक को खराब करे। अब होती कौन है, अब इतना मेंटल टॉर्चर कर रही है कि कोई इंसान सुसाइड करने के मोड पे भी आ सकता है, समझी। और मेरे को कुछ हुआ ना तो जिम्मेदार आप दोनों होंगे, आप और आपके हस्बैंड, ठीक है। सास ससुर के फेवर तक ठीक था, पर इतना मेंटल टॉर्चर करना किसी को भी इस हालत में, आज मेरा हस्बैंड भी नहीं है, आज मेरे पास घर भी नहीं है, आज मेरे पास कुछ नहीं, अपने बच्चों को लेके बाहर आई हूँ, अब मुझे ज्ञान दे रही हो। आप अपने पिछले लाइफ में जाके देखो, आप क्यों इतने टाइटल डालती थी, सास ससुर नहीं छोड़ा, आपने जेठानी नहीं छोड़ी, आपने अपना पति नहीं छोड़ा, अब मुझे ज्ञान दे रही है। ऐसे आप पे बीती कहती, जो आपने ऐसे ऐसे वो थंबनेल्स लगाए, ऐसी ऐसी बातें बोल रही है, आज आप मुझे बोल रही हो, मेरे बराबर तो 1% भी नहीं झेला होगा आपने, तो आपने सोशल मीडिया पे अपनी फैमिली की धज्जियां उड़ा रखी है। मेरे बराबर झेल लेती ना तो आप एक इंसान बन जाती। आप आज ये ज्ञान दे रही हो तो घूंघट की सारी बात कर रही हो, आप तो यहाँ तक घूंघट मारती थी, आज ऐसा तुम्हें क्या हो गया कि आज तो खुद टी शर्ट टॉप में डोल रही हो, आज आपको ऐसा क्या हो गया, आप मुझे ज्ञान दे रहे हो। तो ज्ञान किसी को तब दो जब खुद लायक हो उसके, पहले आप खुद लायक बनो, ना लायक हो तो लायक वाली बात मत किया करो। और होती कौन हो कि इतने कैरेक्टर तक जा रही हो तुम, भाई लगन भैया के और हमारे रिश्ते को खराब बता रही हो, अंशु तक को छोड़ नहीं रही आप छोटी बच्ची को, फिर आप कौन सा क्या उदाहरण दे रही थी कि लखनऊ वाला केस आपने देखा है, लखनऊ वाला केस उसकी बात कर रही हो आप, उस केस को यहाँ जोड़ रही हो इसी वजह से, मतलब मेरे सास ससुर ने अंशु को वहां भेजा, आपको पता थी वजह क्या है क्या नहीं है, आप वहां बैठी थी, मैं एड्रेस दे रही हूँ आप मेरे जाओ तो सही ससुराल में चले जाओ, आपने टाइटल लिखा मैं उनके साथ से मिल के आई हूँ, तो हर बात ना झूठ की बुनियादों पर खड़ी नहीं होती। आज आप बैठ गई हॉस्पिटल में जाके ड्रामा कर दिया हर चीज, तुम्हें दूसरों के मैटर में फंसने की जरूरत क्या है, पहले खुद का घर संभाल लो, तुमसे खुद का घर तो संभाला नहीं जाता, चलिए तुम दूसरे का घर संभालने के लिए, फिर आ जाते हैं आपके पति, आपकी बस की रही नहीं, फिर आ जाते हैं आपके पति, वो बोलते हैं कि मेरी बीवी हॉस्पिटल में है, वो हंस हंस के वीडियो बना रहे हैं, फिर बोलते आज का एंटरटेनमेंट अच्छा लगा हो तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, एंटरटेनमेंट कर रहे हैं आपकी बीवी हॉस्पिटल में पड़ी है, ये ड्रामा तो आप खुद अपने मुंह से बता रहे हो, फिर तुम दूसरों के रिश्ते के बारे में बात करते हो कि किसी को किसी के सास ससुर को पसंद नहीं होगा, ऐसे किसी भी भाई का आना या पति की मौजूदगी में आना, पता क्या क्या बकवास करती हो तुम्हारे। देखो होता क्या है कि आपके भाई बहन के रिश्ते कभी अच्छे होंगे नहीं, खून का तो चल छोड़ो, आपके जो कैसा भी कोई भाई बहन का जो रिश्ता है ना आपका खराब होगा, आपके रिश्ते खराब होंगे, भाई बहन के रिश्ते के बारे में आपकी कहते हैं ना दूर दूर तक आपके दिमाग में ये नहीं कि रिश्ते होते क्या है, क्योंकि रिश्ते आपने कभी निभाए नहीं है, आपने बस देखा है तो पैसा कमाना, पैसा कमाना सब कुछ नहीं होता, जो आप डालती हो ना टाइटल मेरी सास ये मेरी वो, क्या मजबूरी आई थी आपकी, आपका पति 24 घंटे आपके साथ रहता है, दो मिलाता रहता है, जैसे आप बोल देती वैसे वो कर देता है, हमारे पास कोई है भी नहीं, अकेली हूँ, अकेली लड़ रही हूँ सबसे, तो आप ध्यान देते हो दूसरों की लाइफ के बारे में, पहले खुद के गिरेबान में झांक के देखो आप बोलती क्या हो, और इतना बोलने का हक किसी ने नहीं दिया आपको कि मुंह उठा के किसी के रिश्ते के बारे में कुछ भी बोल दो, ये सब वो कोई पागल वागल बैठे हैं सब आप ही सुनते रहेंगे, आप बड़ी वो मिनिस्टर हो रखी हो ना हमारे लिए कि हम आपकी बातें सुने। मैं अपनी लाइफ से इतनी परेशान हूँ, इतनी ये सोच भी नहीं सकती आप, आपने तो वो चंद भी उसके लिए पैसे के लिए कुछ भी मुठा के भग दिया, या मुझसे पूछो कितने डिप्रेशन में हूँ मैं, मेरे को कुछ होता भी है ना तो लास्ट में मैं सबसे हाथ जोड़ के कह रही हूँ इसको बिल्कुल छोड़ना भी मत, अगर मैं सोसाइटी भी करती हूँ ना तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ ये दोनों होंगे जो आज ये ज्ञान दे रहे हैं ना सब, आज मेरा पति नहीं है कुछ भी नहीं है, आज तो मेरे कैरेक्टर तक पे जा रही हो है ना, भाई से बोलती हो कि किसी को क्या पता क्या है क्या नहीं है, फिर तुम केसों को जोड़ती ऐसे केसों को जोड़ रही हो कि मतलब मुझे बोलने में भी बुरा लग रहा है, पता है औरत कहलाने के लायक नहीं हो, और जो तुम्हारा पति है वो एक पुरुष कहलाने के लायक नहीं है, वो औरत मरी होंगे ना तब वो एक पैदा हुआ है आपका जो पति है, ना उसने कुछ समझा ना कुछ क्या बोल रहे हैं कुछ भी नहीं, बस आके ये हाथ वाथ पीट दी हो जाता है, कौन हो आपसे किसी ने हेल्प मांगी, मैं तो ये कह रही हूँ आपको अगर मेरे सास ससुर की हेल्प करनी है या वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं मैं गलत हूँ तो वहां जाओ ना शिवपुरी जाओ, एड्रेस मैं दे रही हूँ जाओ आप,
मिलो वहां पे जाके, तब आप वीडियो बनाते, तब मैं जानती कि हाँ यार सच में बहुत अच्छे हैं बेचारे, उनके पास गए, बूढ़े माँ बाप हैं और उनको जरूरत है। आप जाके तो देखो एक बार वहां पे, तब पता चलेगा ना आप यहाँ से कैसे भोग सकते हो। जैसे आप बोल रहे हो बिना किसी का पक्ष जाने, एक पक्ष में बोल रहे हो, तो आप बिना उनके जाने के क्या हो रहा है वहां पे, आप कैसे इतना सब कुछ बोल सकते हो। आप वहां पे जाओ, तब आप वीडियो बनाओ और तब आप बोलो, तब हम भी जाने के यार ये तो बहुत अच्छे इंसान है, किसी की हेल्प करने के लिए वहां तक गए। लखन भैया मेरे दुख में यहाँ तक शामिल हुए, वो बहुत दूर रहते हैं मुझसे, शामिल हुए तभी तो उनको पता चला कि क्या सही है क्या गलत है, कौन दुख है कौन नहीं है। उन्होंने भी मेरे सास ससुर के बारे में कभी बुरा नहीं बोला, ना मैंने उनसे कभी कुछ बोला कि ऐसा है कैसा नहीं है। जो भी उनको भी पता चला है सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया से पता चला है, खुद मेरे मम्मी पापा को तक नहीं पता था जो मैंने वीडियो डाली थी। तो आप उनके पक्ष में हो ना तो उनसे जाके मिलो। अगर हम मतलब मुझे किसी के लिए हमदर्दी है, या मेरे को जैसे बहुत लोग हैं मुझसे हमदर्दी है, वो मुझसे मिलना चाहते हैं, तो आपको देखो मेरे लिए हमदर्दी नहीं है, मुझे कोई गिलच को कुछ भी नहीं है, आपको मेरे सास ससुर के लिए हमदर्दी है, उनसे एक बार जाके मिलो, जानो कि कितना दुख है, क्या परेशानियां हैं, क्या मैंने गलत किया है। मैं तो कह रही हूँ जाओ, व्यूज भी आएंगे आपको, अच्छाई भी मिलेगी, जाओ तो सही। थोड़ा ये बैठे बैठे एक पलंग पे आके बैठ जाएंगे, फिर सोफे पे आके बैठ जाएंगे, फिर आप ज्ञान बोलते रहेंगे, बस ज्ञान पे ज्ञान, ज्ञान पे ज्ञान, पता नहीं कौन से मिनिस्टर हैं, पता नहीं कहाँ से आ गए। तो एक बार जाओ उनसे मिलो, तब ये जो आप भौंक रहे हो ना कुत्तों की तरह, तब ये आप भौंकते तो अच्छे भी लगते, लोग भी आपको गालियां नहीं देते, सपोर्ट करते कि बेचारे माँ बाप से कोई तो मिलने गया। जैसे लोग मुझसे मिलने आते हैं, वो मिले भी तो सही आपसे, जाओ वहां पे मिलो, अकेले हैं आपको पता है वो अकेले, जाओ उनसे मिलो, जाके मिल लेंगे, अपने दुख दर्द भी बताएंगे, सारी चीज उन पर सब पावर है, ऐसा नहीं उनका कोई पावर नहीं हो। अंशु का चैनल मैंने अलग से दे रखा है, और अंशु मेरे फेवर में नहीं, अंशु उन्हीं के फेवर में है, वो अपने माँ बाप के पास में है, माँ बाप मेरी सासू माँ के भाई हैं, तो वो मेरे फेवर में तो आएंगे नहीं, तो आपको भी पता है पहले भी अपने वीडियोस देखी होंगी, तो वो फेवर में आएंगे, तो अपनी बहन के भी आएंगे, जाहिर सी बात है मेरी फैमिली मेरे फेवर में बोलेगी, उनकी फैमिली उनके फेवर में बोलेगी। तो आप जाओ, अंशु पे नहीं है ना सोशल मीडिया, किसी पे भी नहीं, उन पर नहीं है, आप पे तो है ना सोशल मीडिया, आप उनसे एक बार जाके मिलो, इतनी हमदर्दी है तो थोड़ा सा जो आपने यूट्यूब से पैसा कमाया किराए के काम आ जाएगा, आप उनसे जाके एक बार मिलो। मैं खुद आपसे पर्सनली बोल रही हूँ, तब वो दुख दर्द में, कितने दुख दर्द में है, कितना कुछ उन्होंने झेला है, मैंने झेला है या उन्होंने झेला है, तभी तो आपको सच्चाई का पता चलेगा, या बैठे बैठे तब नहीं पता चलेगा, मैं अपनी सच्चाई बता जाती हूँ, वो भी तो बताएंगे ना अपनी सच्चाई, तो आप उनसे एक बार जाके मिलो और बताओ। ठीक है, मैंने आपने मेरे को क्या कुछ नहीं छोड़ा मेरे कैरेक्टर पे, और इतनी धज्जियां उड़ाई है, इतना सब कुछ गलत बोला है, मेंटली टॉर्चर किया है, मेरे को इस कगार पे खड़ा कर दिया है कि मेरा मन कर रहा है मैं सुसाइड कर लूं, सब कुछ खत्म कर दूं। मैं पहले से ही कितनी परेशान हूं, उसमें भी आप मेरी परेशानी बन रहे हो, तो उसकी जिम्मेदार ना आप होंगे, आप सिर्फ दोनों हस्बैंड और वाइफ। ये वीडियो ना मेरी हर जगह जानी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और जो मेरे सपोर्टर्स हैं वो ये वीडियो लगाओ, मैं किसी को कॉपीराइट नहीं दूंगी, ये वीडियो लगाओ बस, क्योंकि बाई चांस मुझे कुछ भी होता है ना तो जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये दोनों हस्बैंड वाइफ है और कोई नहीं है, क्योंकि इन्होंने मुझे धमकियां हर कोई चीज नहीं छोड़ी, एक कसर नहीं छोड़ी इन्होंने, सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए तुम सामने वाले मरे हुए इंसान को मार रहे हो, आप इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। तो जाओ, तब बोलना फेवर में, तब उनके पास आप एक बार जाके देखो, तब पहले से ही मत भोंको कुत्तों की तरह, और बन रहे हो ना तुम, मेरी तो यही जानकारी है, मेरे तो नेता 20 लोग आके मिलते हैं, भले आपसे 100 लोग आके मिलते हैं ना, तो आप एक लोग से जाके मिलके देखो पहले, तब ये ज्ञान झाड़ना किसी की जिंदगी में। पहले आपने निधि की दुनिया पता नहीं कौन कौन लड़कियों कैसे परेशान किया है, फिर आप वीडियो डिलीट करने के क्या पैसे मांगते हो कि वीडियो डिलीट जब करूंगा जब हमें पैसे दो, मेरे तक आके देखो तब मैं आपको बताती हूँ, और आपके नाम की FIR सारी चीजें आज मैं जा रही हूँ सारी चीजें करूंगी, तो जिस हिसाब से आप क्या सोचते हो, कोई भी आपने ऐसी लड़की देख ली जो विधवा वगैरह इतनी परेशान है सारी चीजों से, अब इसका पीछा करेंगे, इसको मतलब इस हद तक परेशान करेंगे कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन रहता लास्ट में कि वो मर जाए, बस आपने तो ये हाथ फेंक लिए पैसे कमा लिए, पहले आपकी बीवी ने फेंक लिए फिर पैसे कमा लिए। मैं तो ये कह रही हूँ बीवी की जो फोटो लगाई आपने दूसरों को ये दिखाने के लिए सिंपैथी आपको मिले, पहली बात तो सिंपैथी आपके अंदर नहीं अपनी बीवी के लिए, आप ऐसी फोटो लगा रहे हो और फिर कह रहे हो एंटरटेनमेंट कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, हंस हंस के वीडियो बना रहे हो, और ये जादू टोना जो भी करते हो ना आप अपने तक रखो ये चीजें, ठीक है, ये दुनिया को आके अपनी औकात मत दिखाओ कि आप हो क्या, सकल से ही लगते हो वो तो आप, ये जादू टोना वाले हो तो दुनिया को मत दिखाओ, ये चीज आपको ही भारी पड़ जाएगी, जो जादू टोना भूत और जो चुड़ैल है ये चीजें अपनी इतनी मत दिखाओ, वैसे ही दुनिया को बहुत दिख गई है कि आप हो क्या।
तो थोड़ी हमदर्दी ना मेरे सास ससुर को छोड़ के अपनी बीवी के लिए दिखाओ कि वो हॉस्पिटल में पड़ी है ना, तो उसके साथ जाओ और देखो उसको, तो ये हमदर्दी तो मैं दूसरों के लिए आ रही ना चंद व्यूजों के लिए, अपनी खुद की बीवी के लिए आ रही है आपको, हंस हंस के वीडियोस बना रहे हो, हंस हंस के उसको तो देख लूंगा, तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हो आप। करना